अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों ने कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने कर लिया, इसमें कोई मसला हो वो पूछ लें। ठीक है, जो कल हमने किए थे क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर किया था, यहाँ पर रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 20.1। ठीक है, इसकी मैंने कहा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक मैंने बनाई थी, बाकी मैंने कहा था कि आपने बनानी है खुद। ठीक है, तो वो जो दूसरी आपने बनानी थी उसके लिए आपका ना आपको मैंने कहा था बनानी है, तो क्या आप लोगों ने बना ली थी? इसमें कोई हो, कोई प्रॉब्लम हो वो बता दें। यहाँ तक देखें, कोई प्रॉब्लम है अगर तो। अच्छा देखें, ये मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूँ पहले ना, ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन स्टार्ट किया था इसको मैं कंप्लीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए। जो हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई थी फर्स्ट की, ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। अब हमारे पास, हम बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 की सेकेंड ईयर की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे थे। अब इसमें देखें, हमारे पास है, हमने जो बनाया था वो हमने जो पहले साल के बैलेंसेस थे हमारे पास ना ईयर 2006 का, उसके जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के जो बैलेंसेस थे वी ट्रांसफर दोज बैलेंसेस हेयर एज एन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गए थे हमारे पास। और इसमें अब हमने करना है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर 2007 कोई न्यू शेयर्स इशू नहीं किए थे, इसलिए मैंने उसकी जगह डैश यहाँ पुट कर दी थी। उसके बाद आपके पास ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, हमारे पास जो इस क्वेश्चन में है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ है, टैक्स का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है टैक्स कोई पेमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो टैक्स जीरो होगा। तो उसको लिए हमने कहा था जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2007 का, वो क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, वो है 55,200 का। जो भी प्रॉफिट होता है करंट ईयर का उसको हम ऐड कर देते हैं हमारे पास रिटेन अर्निंग्स के अंदर। ठीक है, वो हमने कर दिया। उसके बाद जो आपने करना, ये आपने क्वेश्चन वेरीफाई कर लेना अपना आंसर इसके साथ ना, ठीक है, चेक कर लेना। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन था आगे, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के बाद ना 2007 का हमने क्या करना है कि हमने उसके बाद हमने करना होता है कि हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने, जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करने वो एडजस्टमेंट नंबर जो 4 है उसमें दिया हुआ था कि 12,000 इन 2007 आपने ट्रांसफर करने, डायरेक्टर्स ऑल्सो डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एज 8,000 इन 2006। 2006 की हमने पहले कर ली थी, काली बना ली थी उस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 2007 में हमने ट्रांसफर करने 12,000, तो 12,000 जो ट्रांसफर करने 2007 में वो वी विल डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि हमने प्रॉफिट इसके अंदर ऐड किए हुए करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं, और इसको हम जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे 12,000। ठीक है, टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट था उसका इफेक्ट टोटल इक्विटी पे भी आएगा, वो हम यहाँ पर टोटल में भी ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो हर साल आप पे करते हैं, जो आपने कमिटेड होता है, जो प्रेफरेंस जो शेयर्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना वो आपने इस साल भी उतनी ही अमाउंट पे करनी है जो आपने पहले साल पे की, 8,000। तो 8,000 जो है वो आप इसमें से माइनस कर देंगे, वो हमने कर दिया। जो हमारे पास जो डिविडेंड आएगा ना, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड सॉरी, वो भी 8,000 है, 8,000 भी हम यहाँ से माइनस कर लेंगे रिटेन अर्निंग्स में से, और टोटल में से भी 8,000 माइनस कर देंगे। अच्छा, जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है ना प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड इन 2007 वो कितना है आपके पास, वो उसने बताया हुआ है आपकी एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखें तो उसने बताया हुआ है कि ऑर्डिनरी डिविडेंड वर प्रपोज 6% फॉर 2006 एंड 7% फॉर 2008। ठीक है,
अब हमारे पास जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो कितना है उसको सबसे पहले देख लें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारे पास बनता है कितना, 300,000 डॉलर का, और उसने कहा है कि उस पे आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना देना है, 8%। ठीक है, कैलकुलेट करें कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना निकलता है। ठीक है, 2007 में आपके पास उसने ऑर्डिनरी डिविडेंड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2006 में वो उसने दिया हुआ 8%, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है, 2007 और 8 के लिए। सॉरी, उसने कहा है कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिविडेंड वर पे प्रपोज्ड एज 6% फॉर 2006 एंड 7। ठीक है, 6 और 7 के लिए कितने परसेंट है, 6% है, तो हम इसकी परसेंटेज यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो परसेंटेज कितना है हमारे पास, 6%। तो हमारे पास ऑर्डिनरी कैपिटल जो है वो 300,000 का, उसका 6% कैलकुलेट करें कितना आता है। आई थिंक सो कल हमने कैलकुलेशंस में फिर गलती की है एक। ठीक है, 300,000 का ऑर्डिनरी डिविडेंड निकालें, 300,000 उसका ऑर्डिनरी डिविडेंड बनता है 6%, वो बनता है 18,000। ठीक है, वो कितना बनता है, 18,000। ऊपर भी हमने कैलकुलेशन जो की है ये 18,000 बनेगा। ठीक है, अब ये जो 18,000 है इट विल बी पेड इन 2008, विल बी पेड इन 2008, ये नेक्स्ट ईयर में पे होगा। इसको आप डिस्क्लोजर में बताएंगे, ये जो प्रपोज डिविडेंड है इसका डिस्क्लोजर देंगे आप, कि आपने नोट्स में बता देना है कि हमारे पास इस साल का प्रपोज डिविडेंड जो है वो इतने परसेंट है। ठीक है, एजीएम में अप्रूव हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो कल कैलकुलेशन की थी, जो प्रपोज ऑर्डिनरी डिविडेंड हमने वो 8,000 यहाँ पर लिख लिया था 2007 के लिए, वो सॉरी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर लिख लिया था, इसको भी करेक्ट कर लें यहाँ पर ना। ठीक है, ये हमारे पास बनता है जो प्रपोज डिविडेंड 2006 में वो 300,000 का 6% बनता है, दैट बिकम्स 18,000, और वो आपने 2007 में पे करना है, और 18,000 ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है वो हमने यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में 2007 में पे कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे, तो हमारे पास 31 दिसंबर 2007 को बैलेंस कैरी डाउन जो आएगा वो कितना आएगा, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं हुआ तो वो क्लोजिंग बैलेंस 300,000 है, और प्रेफरेंस भी चेंज नहीं हुआ वो 100,000 है। आपके पास जो जनरल रिजर्व्स हैं वो 8,000 थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और 8,000 में 12 और ऐड हो गए तो टोटल बन गए 20,000। ठीक हो गया, अब आपके पास जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं या रिटेन अर्निंग्स हैं वो कितनी हैं वो देखते हैं। रिटेन अर्निंग जो पहले साल की हैं वो भी चेक कर लें कि हमने वहाँ पर ऑर्डिनरी डिविडेंड तो खैर एडजस्ट ही नहीं किया था। तो हमारे पास 33,800 पहले साल की रिटेन अर्निंग थी जो हमें सेकेंड ईयर में एज अ बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आई, और फिर हमने 55,200 का हमने इसमें न्यू प्रॉफिट ऐड कर दिया, और उसमें से हमने 12,000 की ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर दिए और डिडक्ट हो जाएंगे। 8,000 जो है वो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है। ठीक है, और हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है वो हमारे पास कितना है वो हमने कैलकुलेट किया, वो 18,000 बनता है, तो 18,000 इसमें से डिडक्ट फर्दर कर लेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास रिटेन अर्निंग रह जाएगी 51,000 की। ठीक हो गया, अब इनका टोटल कर लें, आपके पास 300,000 प्लस 100,000, ये टोटल आपके पास 400,000 एंड 51,000, 451,000 प्लस 20,000 इसमें ऐड कर लें तो ये आपके पास 471,000 आपके पास टोटल बन जाएगी रिटेन अर्निंग, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन में? ठीक है, अच्छा
19.2 मतलब 20 पॉइंट, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा थर्ड की ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट क्या होगी। अच्छा देखें, सैयद मोहम्मद हादी, अच्छा देखें ट्रीटमेंट क्या होगी ये थर्ड की। उसने कहा ऑर्डिनरी डिविडेंड वर प्रपोज 6%, ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है वो 6% प्रपोज हुए हैं हमारे पास। वो कब प्रपोज हुए हैं? वो जून, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2002, ठीक है, 2002 में वो 6% थे, और जबकि 2008 सॉरी 3 और 4 के लिए वो आपके हैं आते हैं 8%, ठीक है। अब देखें जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ना, प्रपोज ऑर्डिनरी डिविडेंड 2000 एंड फर्स्ट ईयर आपका है 2, उसमें प्रपोज हुआ है, उसमें प्रपोज हुआ है, तो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है वो देखें। क्वेश्चन में उसने ऊपर दिया होगा, कहता नेशनल लिमिटेड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2001, द कंपनी हैज इशूड 350,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन फुल इन जुलाई 2001, वेयर एज इन द सेम मंथ द कंपनी आल्सो इशूड 150,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए। अब देखें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के लिए उसने कहा है आपने कितने परसेंट पहले साल आपने डिविडेंड देना, ऑर्डिनरी डिविडेंड प्रपोज करना है, वो किसके हिसाब से निकलेगा। आप देखें आपके 350,000 शेयर्स हैं और पर शेयर की वैल्यू है $1, तो 350,000 डॉलर के आपके टोटल शेयर होगी, ये वैल्यू होगी उसका। आपने पहले साल जो डिविडेंड की परसेंटेज बताई है ऑर्डिनरी, वो है 6%, वो आप 6% इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 6% कैलकुलेट करें कितना बनता है, 350,000 का 6% वो बनता है आपके पास 21,000। अच्छा ये प्रपोज हुआ है 2000 एंड जो हमारे पास 2 है, और पेमेंट कब होगी, पेमेंट इसकी होगी फॉलोइंग ईयर में जब एजीएम होगी उसके बाद, ठीक है। जो अगला साल ईयर एंड हो रहा होगा ना 2003 में जो एंड हो रहा है, ठीक है, उसमें आप करेंगे। आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2001 से, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 30 जून 2002 को, उस टाइम प्रपोजल हुआ था कि 21,000 डिविडेंड देंगे, सिक्स दैट वुड दैट बिकम्स 6% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन उसकी पेमेंट अगले साल होगी, नेक्स्ट ईयर जो ईयर एंड होगा 2003 में, ठीक है। इसी तरह आपने 2003 में जो प्रपोज करना है डिविडेंड, वो आपके पास आ रहा है 350,000 का, शेयर्स थे और उसके हर शेयर जो है वो $1 का है, मतलब वो पूरा आपने कैलकुलेशन सेम रहेंगी बाकी, कि आपका शेयर कैपिटल 350,000 का है। तो आपने जो डिविडेंड इसमें से ये दिया है ना ऑर्डिनरी सॉरी जो शेयर ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया नेक्स्ट ईयर के लिए वो है 8%, ठीक है। वो कितने परसेंट है, 8 है 2003 के लिए, तो आप इसका 8% कैलकुलेट करेंगे। 350,000 का 8% कैलकुलेट करने कितना आता है, 28,000, ठीक है। ये 28,000 आ गया, इस 28,000 ये प्रपोज्ड हुआ है 2003 में, बट पेमेंट विल बी इन 2004 में इसकी पेमेंट होगी। इसी तरह 2004 में आप क्या करेंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी, आपका डिविडेंड फिर इतना ही बनेगा 8% ही। उसने कहा है कि दोनों साल के लिए 3 और 4 के लिए ये भी 28,000 बनेगा, ठीक है, और लेकिन ये पे होगा 2005 में। आपसे उसने स्टेटमेंट मांगी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 2002, 2003 एंड 2004। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ 2, 3 एंड 4 के बारे में आपने वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, 5 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं होगी। इज दैट क्लियर अब्दुल हादी, सैयद मोहम्मद हादी?
अब्बास रजा ड्यूरिंग द ईयर जो जनरल रिजर्व्स यूज होंगे वो हाँ उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो यूज हो जाते हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। अभी आएगा अगले चैप्टर जो अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, उसमें हमने जनरल रिजर्व्स कहाँ यूज करने हैं, हमने रिटेन अर्निंग्स कहाँ यूज करनी है, बाकी ये सारी चीजें उसमें आएंगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे, उसमें फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बनाएंगे जब चेंजेस होंगी उसके बाद। मुर्तजा नवीद जो 2006 है ना उसमें ऑर्डिनरी डिविडेंड इसलिए नहीं पे करते कि देखें 2006 है पहला साल आपका जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में जो फर्स्ट ईयर है ना उसमें जब आप डिविडेंड जो भी प्रपोज करेंगे 31 दिसंबर को आपके अकाउंट्स बनते हैं, तो फिर ये प्रपोज करते हैं डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना, कि हमने जो ईयर 2006 गुजरा है इसके लिए डिविडेंड इतना देना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारा बनता था 18,000 बनता था, ठीक है। अब होता यह है कि आप उसी टाइम वो पे नहीं कर सकते, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज कर देते हैं वो प्रपोज, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होने के लिए, उस टाइम डिविडेंड भी अप्रूव होता है। शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट के थ्रू इसको अप्रूव करते हैं कि हाँ इतना डिविडेंड दे दें या चेंज करें। अब चेंज करने में भी एक चीज आपने याद रखनी है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, वो डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि ये डिविडेंड ज्यादा है इसको कम कर दें, ये उनके पास राइट होता है। बट ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स जो है वो प्रपोज डिविडेंड जो प्रपोज किया होता है डायरेक्टर्स ने उससे इंक्रीज कर लें, तो पेमेंट जो होनी होती है वो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद होती है, तो पेमेंट होती है सब्सिक्वेंट ईयर में अगले साल में, इसलिए उसको 2006 के अंदर ऑर्डिनरी डिविडेंड हम पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है। बस अब 20X1 लिखा हुआ है, तो ये X1 आप इसको X जो लिखा हुआ है इसको आप 0 भी कर लें, इसको आप 1 कर लें, जो मर्जी कर लें। अगर 1 लिखेंगे तो 2011 बन जाएगा, अब अगर 0 लिखेंगे 2001 बन जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सारी वैल्यूज लिखी जाती हैं। अब्बास रजा आपने कहा है कि हम क्या शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स उसमें लिखेंगे या वैल्यू लिखेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, शेयर्स नहीं लिखेंगे, वो तो मल्टीप्लाई होके आ जाते हैं। सैयद मोहम्मद आदि क्लियर है, ओके वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर, आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया था, जिन लोगों ने क्वेश्चन किया है उन लोगों ने क्वेश्चन में से प्रॉब्लम पूछ ली है, बाकी अब देखें। वेलकम अब्बास। अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं नेक्स्ट ना हमारे पास ना, देखें ये अभी जो आपको शो हो रहा है ना ये वो ये क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो भी तकरीबन हमारे पास ना सेम है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ना एक ही पॉइंट है जो आपने जरा देखना है, जो पेपर में भी ध्यान रखना है, वो है रीवैल्यूएशन रिजर्व का, ठीक है, जो कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है उसने, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। उसने कहा है द कंपनी कंपनीज फ्री होल्ड प्रीमिसेस वैल्यूड एट 520,000 ऑन 31 दिसंबर 2004, ठीक है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिफ्लेक्ट दिस वैल्यू इन द अकाउंट्स। अच्छा अब देखें आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कैलकुलेट करने, यहां से रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो न्यू वैल्यू है एसेट की वो कितनी है माइनस नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। तो नेट बुक वैल्यू जो होती है वो कैसे निकलती है, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उस एसेट की जितनी भी उस डेट तक डेप्रिसिएशन होती हुई होती है उसमें से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है, दैट इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। अच्छा अब देखें हमारे पास ना
जो न्यू वैल्यू है उसने कहा है कि इट शुड बी 520, इसका मतलब है आपका एसेट इतनी वैल्यू पे बुक्स में शो होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो एसेट है उसकी कॉस्ट कितनी है। जो हमारे पास एसेट है, जो एसेट हमारे पास आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें फ्री होल्ड लिमिटेड जो है वो उसकी कॉस्ट ये 500,000 और 100,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब है कि 500,000 आपकी कॉस्ट थी, 100,000 का आपने एसेट पहले ही यूज कर लिया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी। आपके एसेट की वैल्यू जो बुक्स में शो हो रही थी नेट बुक वैल्यू वो थी 400,000। ठीक है, अब आप उसको चेंज करके 400,000 से इंक्रीज करके 520 पे आपने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ये डिसाइड हुआ। तो इसका मतलब है कि आपके एसेट की वैल्यू $120 इंक्रीज हो गई है। ये क्या हो गया, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। और इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब बनाएंगे ना आप, उसमें जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स का कॉलम होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, उसमें क्या करना है आपने, यहां पर आपने लिखना है रिवैल्यूएशन ऑफ प्रीमिसेस। आपकी प्रीमिसेस जो है वो रिवैल्यू होगी इन डिटेल में, और यहाँ पर आपने 120,000 लिख देना है। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पर उसने ना बैलेंस शीट भी मांगी है, तो बैलेंस शीट में बाकी सारी तो चीजें नॉर्मल है जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी ना, उसमें एक चीज चेंज हो जाएगी, जो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं ठीक है, उसमें जो प्रीमिसेस की वैल्यू वो आपने 520,000 शो कर देनी है, बाकी कुछ नहीं शो करना आपने, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, कितनी शो कर देनी है, 520,000 डॉलर्स, बाकी सेम रहेगा। फिर आपके पास एक और नई चीज है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कॉरपोरेशन टैक्स। जो कॉरपोरेशन टैक्स है ना वो फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड एट 14,400। अब ये वर्ड देखें, एस्टिमेटेड है, इसका मतलब है एक्चुअल का नहीं अभी पता कि एक्चुअल आपका टैक्स कितना बना है, एस्टिमेटेड है कि इतना है, इसका मतलब है कि अभी पेमेंट भी नहीं हुई। तो अब आप इसका क्या करेंगे, ये जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है ये हमारे पास उसमें नहीं आएगा, जो हमारे पास क्या कहते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो आप प्रॉफिट लिखेंगे ना, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर देखें, क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले उसने कहा है कि कैलकुलेशन ये 20.3 में उसने कहा, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मार्वल लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होते हैं ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो चीज ट्रांसफर करनी होती है वो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शामिल करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसका मतलब है इंटरेस्ट विल बी जीरो। तो 81,400 आपके पास इसकी टोटल वैल्यू है, कितनी आपके पास वैल्यू है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 81,400। इसमें से आपने क्या करना है, ये जो 14,400 की वैल्यू है ये आपने माइनस कर लेनी है, इसमें से 14,400 जो रिमेनिंग होगा वो आपके पास रिटेन अर्निंग्स के अंदर चला जाएगी अमाउंट। ठीक है, जो रिटेन अर्निंग्स का कॉलम होगा उसमें रिमेनिंग अमाउंट आपकी जाएगी, रिमेनिंग प्रॉफिट्स। अब देखें आपके पास कितना बच जाएगा, आपने 81,400 कि आपके पास जो प्रॉफिट्स थे उसमें से आपने 14,400 का टैक्स पे कर दिया। इट मींस रिमेनिंग यू विल ट्रांसफर इन हियर इन दिस कॉलम 67,000। ठीक हो गया। एक तो ये चीज ट्रीटमेंट हो जाएगी टैक्स की, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स की, कि आप अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो उसमें से माइनस कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास जो करंट लाइबिलिटीज होंगी उसमें आपने कॉरपोरेशन टैक्स
पेएबल दे देना, लिख देना, क्योंकि एस्टिमेटेड है कि इतना आपका टैक्स बन जाएगा। इसका मतलब है आपकी ये एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है 14,400 की, ये आप पे करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है? क्योंकि पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट भी आप एक साल की, जब आपके पूरा साल गुजर जाता है, जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी, जो प्रॉफिट्स लॉसेस आएंगे, उसके बाद पेमेंट तो उसके अगले साल होगी, ठीक है? इसलिए आप इसे लाइबिलिटी में भी शो करेंगे। इज दैट क्लियर? बाकी नॉर्मल चीज़ें इसमें वही चीज़ें हैं कि आपने रिकमेंडेशन दी है जनरल रिजर्व में ये ट्रांसफ़र होने है, और फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है वो इतना है, ठीक है? 8%। ये जो फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड है वो रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड का मतलब है प्रपोज्ड, ठीक है? तो जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ना, उसका मतलब ये है कि आप जस्ट कैलकुलेशन करेंगे और इसको आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर शो नहीं करेंगे, जस्ट आप एज अ डिस्क्लोजर इसको शो करेंगे नोट के तौर पर कि हमारा इतना प्रपोज है डिविडेंड। इज दैट क्लियर? ओके मुस्कान, क्लियर हो गया। 20.3 करवा दें। 20.3 में देखें मुस्कान, 20.3 में जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है? जो इसमें समझने वाले जो दो नए पॉइंट्स थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक तो रीवैल्यूएशन था एसेट का, एसेट की रीवैल्यूएशन, उसकी ट्रीटमेंट मैंने बता दी है कि आपने बुक उसमें जो आपकी रिजर्व्स क्रिएट करेंगे आप रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो उनको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ले जाएंगे, ठीक है? और प्लस जो एसेट है, जो एसेट रिवैल्यू हो रहा है, जैसे यहाँ प्रीमिसेस है, उसको न्यू वैल्यू पे हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री में शो कर देंगे, ठीक है? फिर कॉर्पोरेशन टैक्स है, तो वो आपको जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है उसमें से माइनस कर देना है। जब उसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो होगी वो आपके पास इसी वैल्यू को जाके आप कॉर्पोरेशन टैक्स को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी कि बैलेंस शीट में, एज अ करंट लाइबिलिटी लिखेंगे, क्योंकि अभी तक, अभी आपने एट द एंड ऑफ द ईयर तक वो टैक्स पे नहीं किया हुआ, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? बाकी पॉइंट्स सेम है, सिमिलर जो हमने पढ़े थे। अब्बास रजा वेलकम। अब्बास रजा, रीवैल्यूएशन की जो अमाउंट है 120, वो इक्विटी का पार्ट होगा कि नहीं? हाँ जी, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी कॉलम्स होते हैं, वो सारे के सारे इक्विटी का पार्ट होते हैं, वो शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाती है कलेक्टिवली, ठीक है? तो मैंने ये देखें, आपको यहाँ पर ये जो लिखवाया था कि आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट करने और उनको आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर 120,000 लिख देना है, ठीक है? वो वहां पर ऐड हो जाएगी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स द पार्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है? अब आज क्लियर है? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये जो दो ट्रीटमेंट बताई हैं प्रीमिसेस वाली, ये क्लियर है कि एसेट रिवैल्यूएशन होगा तो आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है, और आपके पास जो टैक्स है उसकी क्या ट्रीटमेंट होनी है? हाँ जी, इज दैट क्लियर? हाँ जी, अब आज बैलेंस में भी लिखी जाएगी। आप जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्लोज करेंगे ना, जैसे देखें आपने बैलेंस कैरी डाउन इसका निकालना है, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन जब आप निकालेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का 120,000 का बैलेंस निकलेगा। इसको आप उसमें शो करेंगे आपके पास बैलेंस शीट के अंदर भी, इक्विटी के पार्ट में, ठीक है? जो भी चीज़ें इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कॉलम बनेंगे, ये सारे शो होंगे।
ओके अच्छा देखें, यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारे पास, ओके अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 20.4, दिस क्वेश्चन, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन एंड दिस इज योर होम असाइनमेंट, यू विल डू होमवर्क, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है? इसमें कोई नई चीज नहीं है, यही है कि एसेट रिवैल्यू हो रहे हैं और एसेट रिवैल्यू होने के बाद उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसको कैलकुलेशन उसके कर रहे हैं, उसके रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में उसको शो करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स की भी वही ट्रीटमेंट है, ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि आपने उधर किया है। देखें इसके एडजस्टमेंट्स भी वही हैं, डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया कि जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करने हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है, ऑथराइज शेयर कैपिटल को आपने इसकी बेस पे कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी होती हैं। व्हेन एवर यू विल कैलकुलेट डिविडेंड, डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेड ऑफ कैपिटल, ठीक है? उसकी बेस पे आपने करना है। तो इसको जस्ट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जस्ट शो करना होता है, लिखना होता है, कैलकुलेशन में कहीं नहीं आपने इसे ऐड लेस करना। उसके बाद आपके पास आते हैं, उसने कहा है कि फाइनल डिविडेंड जो है ना वो है 40,000 का, ये भी रेकमेंडेड है, डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया, अभी शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे तो फिर पेमेंट होगी। दैट्स वाई दिस विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है? वहां पर शो नहीं करेंगे, आप इसे एज अ डिस्क्लोजर, एज अ नोट नीचे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो कर देंगे, बिकॉज दैट द प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2006 इज 40,000, ठीक है? उसके बाद उसने कॉरपोरेशन टैक्स दिया हुआ, कॉरपोरेशन टैक्स इज एस्टिमेटेड एट 14,200। तो आपके पास जो यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखें, उसने कहा दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जो आ रहा है 128,730 आ रहा है, तो आप इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे कॉरपोरेशन टैक्स को, ठीक है? यह माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगी। और ये कॉरपोरेशन टैक्स जो है, चूंकि अभी एस्टिमेटेड है, पे इतना हो जाएगा, ठीक है? आप उसको लाइबिलिटी में भी, करंट लाइबिलिटी में भी शो करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके पास है, उसने कहा डायरेक्टर्स ऑफ डायरेक्ट द कंपनीज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड एट 800,000। अब उसकी वैल्यू 800,000 कर दिए उन्होंने, रिवैल्यूएशन हो गई, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट होंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कैसे क्रिएट होंगे, आप अगर देखें यहाँ पर, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कॉस्ट है वो गिवन है 720,000 की, और 120,000 की उसकी क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स इसमें कितने क्रिएट हो जाएंगे वो देखते हैं, कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कैलकुलेट करने, प्रॉपर्टी आपकी न्यू वैल्यू आ गई है 800,000, जबकि आपकी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी वो 720 थी और 120 की आप उसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कर चुके थे, यानी कि नेट बुक वैल्यू उसकी कितनी हो गई थी, 800,000 माइनस नेट बुक वैल्यू 600,000 थी। तो आपके पास जो बैलेंस आया है वो कितना आया है, 200,000, ठीक है? बाकी सेम चीजें हैं, कोई चीज चेंज नहीं आपने करनी। अब आपने ये करना है कि आप जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो उसमें आपने दो चीजें चेंज करनी है, एक आपने नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स में जो प्रीमिसेस हैं उनको आपने सिंपली 800,000 की वैल्यू पे शो कर देना, उसमें कोई एड लेस कुछ भी नहीं करना, ठीक है? और उसके बाद आपके पास जो करंट लाइबिलिटीज हैं उसमें आपने टैक्स पेबल जो है वो शो कर देना, आपका टैक्स पेबल कितना है, टैक्स पेबल कितना आ जाएगा, टैक्स पेबल आपका आ जाता है 14,200। बाकी एसेट सेम आएंगे, लाइबिलिटी सेम तरीके से आएंगी जैसे हमने पहले प्रिपेयर की हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कोई नई चीज नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो?
हाँ जी, रिवैल्यूएशन। अब बात रहा था रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होते हैं ना, बेसिकली ये हमारे पास होते हैं, इनकी नेचर होती है कि हम ये इक्विटी का पार्ट होते हैं। तो इक्विटी जब भी हमारे पास क्रेडिट होती है, हमारे पास क्या होता है, हम इंक्रीज होती है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होंगे उनको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें 200,000 के रिवैल्यूएशन रिजर्व हैं, वो क्रेडिट हो गए, और डेबिट में आपकी प्रीमिसेस आपकी डेबिट हो जाएंगी, जो आपकी रीवैल्यू हो रही हैं वो भी 200,000 से इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, तो प्रीमिसेस ऑटोमेटिकली आपकी 6 लाख से थी, 6 लाख से आपने इंक्रीज करके उनको 8 लाख पे ले आए, तो 2 लाख का इंक्रीज हो गया उसमें, $200,000 का। और जबकि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो आपके $200,000 से इंक्रीज हो गए। ठीक है, क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, उसके बाद अब्बास से ये क्लियर है यहाँ तक इसकी जो एंट्री थी। ठीक है, उसमें देखें प्रपोज जनरल रिजर्व भी जस्ट डिस्क्लोज ही करेंगे। नहीं, जो प्रपोज होते हैं ना, जनरल रिजर्व को प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम जो रिकमेंडेड रिजर्व होते हैं उनको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ही माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया, उसको माइनस कर देते हैं एज इट इज। ठीक हो गया, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद हादी सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ शो करेंगे? हाँ, ये देखें, ऑथराइज शेयर कैपिटल आपने शो करना है जहां आप शेयर होल्डर्स इक्विटी बनाएंगे ना। ठीक है, उसमें शो करेंगे। अब ये शो कैसे करना है ये देख लें, मैं यहाँ पर ना आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पर ना, ताकि आपकी ये भी क्लियर हो जाए कैलकुलेशन। यहाँ पर देखें, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर ने, जब आप बनाएंगे ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें आपने शेयर होल्डर्स इक्विटी का जो बनाना है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो जब आप ये प्रिपेयर करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो इसमें आप ऊपर ऑथराइज्ड कैपिटल लिखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल जो लिखेंगे उसकी सिर्फ आपने यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है, उसके नीचे 2 लाइनें लगा देनी है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर ना देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है था 20.1, उसमें जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो हमारे पास है 400,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ $1 ईच। ठीक है, तो आपके पास 400,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ $1 ईच, तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी होगी? 400,000 की। वो आपने यहाँ शो कर दिया, इसके नीचे लाइन लगा दी आपने 2। इसके बाद आपके पास ना जो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के कॉलम्स बनाए ना, उसमें आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो आ गया, जो आपने इशू कर दिया है वो आ जाएगा, वो आपने कितना आता है 300,000, इसको शो करेंगे। लेकिन ऊपर वाला 400,000 उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसके नीचे डबल लाइन लगाइए, सिर्फ आपने इंडिकेट करना है, शो करना है। ठीक है, फिर आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होगा वो कितना है, वो आपका $100,000 का है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिटेन अर्निंग्स आ जाती है, तो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है 33,800 का। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जनरल रिजर्व्स आ जाते हैं, तो जनरल रिजर्व्स आपके 8,000 के। उसके बाद आपके आ जाएंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स,
जैसे अगले क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को भी यहाँ लिख देंगे, और फिर आप क्या कर देंगे, इनका टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल आपका बनता है यहाँ पर 441,800। इज दैट क्लियर? हाँ जी सैयद मोहम्मद आदि, इज दैट क्लियर? उसके बाद अनाबिया जैन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के इक्विटी के पार्ट में रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड ऐड करेंगे। हाँ जी, अभी देखें मैंने अभी बताया जो सामने किया है, तो हम उसको ऐड करेंगे, वो क्लोजिंग बैलेंसेस सारे हम लेके जाएंगे। ओके मुस्कान इज द ओके, क्लियर है? क्लियर अब्बास, क्लियर? ओके सैयद मोहम्मद आदि, ओके क्लियर। चलें चलें, अभी हमने ना जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है ना, उसका एक रिव्यू देता हूँ छोटा सा, कि हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसमें जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, रिटेन अर्निंग्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, और उनमें पैसे अपने ट्रांसफ़र करने हैं, डिविडेंड पे करने हैं, तो कैसे पे करने हैं, प्रपोज डिविडेंड जो है वो हमने शो करने हैं हाली डिस्क्लोजर में, उनको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो नहीं करना। ठीक है, जो डिविडेंड पेड होंगे खाली वो ही शो होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि रीवैल्यूएशन रिजर्व्स अगर हो जाएं तो उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, और अगर कॉरपोरेशन टैक्स आता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट है ना, अभी हमने जो पढ़ना है ना, वो हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 20.5 है, कि आपको ये कहा जाता है कि आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, जैसे कि रिक्वायरमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर के एम सीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट। ठीक है, दोनों चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, मॉडिफिकेशन ये करूंगा कि हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनानी है, और हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, सारी चीज़ें हमने बनानी है एक ही दफ़ा। अब यहाँ देखें हमारे पास ना जो क्वेश्चन नंबर 20.5 है, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर दिस। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2004। ठीक हो गया? अच्छा, अब पहले हम बनाएंगे इसका, हम रफ एक स्केच बना लेते हैं। जैसे नॉर्मली मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवाई थी सोल ट्रेडर की, तो मैंने कहा था पहले आपने रफ स्केच बनाना है। अब देखें जो इनकम स्टेटमेंट है उसके होते हैं 2 कॉलम्स, आपने 2 कॉलम्स इसके प्रिपेयर कर लेने। अब वो 2 कॉलम्स जो होंगे, एक उसमें इंटरनल कॉलम होगा, एक एक्सटर्नल कॉलम होगा, इंटरनल कॉलम, एक्सटर्नल कॉलम, और ये डॉलर अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन यर द नेट सेल्स, आपकी नेट सेल्स कितनी है वो आपने लिखनी है, फिर आपने इसमें से लेस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, आपने जो मटेरियल परचेज किए हैं, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स जो आपकी सेल्स रिटर्न्स हैं, प्लस इसमें कैरिज इनवर्ड्स हैं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक हो गया, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में वी विल ऐड अदर इनकम्स,
अदर इनकम हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे और उसके नीचे ये हेडिंग है, उसके नीचे हम दो तीन लाइंस छोड़ देंगे। अगर हमारे पास कोई अदर इनकम्स आती है हम यहाँ ऐड करेंगे। लेस वी विल डिडक्ट फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी एक हेडिंग है। हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग हम सारी यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, ये सारे जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको माइनस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसको हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। इसके अंदर से हम डिडक्ट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है। ठीक हो गया, फाइनेंस कॉस्ट डिडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ना आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, देन वी विल डिडक्ट फ्रॉम दिस टैक्स जो आपका कॉरपोरेशन टैक्स होगा या इनकम टैक्स होगा बिजनेस का, वो हम उसमें से माइनस करेंगे। जब हम वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ही हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ये तो नॉर्मल कॉलम है जो आने ही आने। ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स हैं? एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आपके रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर आपके पास रिटेन अर्निंग्स के बाद आपके पास आ जाते हैं जनरल रिजर्व्स, फिर आपके पास आ जाते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। ठीक हो जाते हैं, ये नॉर्मल होते हैं, ये खाली इनके हेडिंग बना लेने, फॉर्मेट बना लिया। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट बनाना है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आप क्या करें, आप इनके भी कॉलम प्रिपेयर कर लें। ये इंटरनल और एक्सटर्नल कॉलम। नॉन करंट एसेट्स, इसके लिए दो तीन लाइंस छोड़ दें, फिर करंट एसेट्स को आप लिख लें। इसके नीचे भी आप दो तीन लाइंस छोड़, मतलब इसमें करंट एसेट्स ज़्यादा होते हैं तो पांच छह लाइंस छोड़ दें। फिर आप शेयर होल्डर्स इक्विटी लिख लें, या इक्विटी उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बैलेंसेस आपने यहाँ लिखने। उसके बाद इसके जितने आइटम्स होते हैं उनको आपने यहाँ पर शो करना है, जो बैलेंसेस होते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। एक तो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है वो शो कर दें यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपने कॉलम बनाए हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में वही। फिर रिटेन अर्निंग का एक कॉलम होता है, फिर आपके पास रिटेन अर्निंग के बाद आपके पास जनरल रिजर्व्स हैं, देन रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं। फिर आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखनी है और फिर आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ देखें जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेट हमने फिल कर लिया, फॉर्मेट बना लिया, अब हम उसको फिल करेंगे। अब देखें क्वेश्चन में डेटा हम टिक करते जाएंगे साथ साथ। उसने कहा था फॉलोइंग बैलेंसेस वो हैड बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हैड बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ के एम सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। के एम सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 30 जून ये रिपोर्टिंग डेट है। उसने कहा प्रीमिसेस जो हैं वो एट कॉस्ट हैं, तो प्रीमिसेस हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं। हम यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में जाके इसको प्रीमिसेस को लिख लेंगे जी। प्रीमिसेस कितनी है आपने ब्रैकेट में लिखनी है,
वैल्यू उनकी 600,000 की, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ऑन प्रीमिसेस, ठीक है। आपने प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन की हुई है 140,000 की, ये सिंपली आप यू विल डिडक्ट दिस फ्रॉम प्रीमिसेस वैल्यू ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है। इक्विपमेंट आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी कॉस्ट गिवन है 220,000 की। इक्विपमेंट भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इक्विपमेंट कितने की? आपके 220,000 के। और उसमें से उसने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आज से इस साल से पहले तक डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो है 70,000 की, तो आप इसमें से भी 70,000 माइनस कर लेंगे, सिंपल इन सिंपल वर्ड, ठीक है। 70,000 फिगर सारे मैं थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ क्योंकि उसने फिगर्स राउंड ऑफ किए हुए थाउजेंड्स में, तो मैं भी उसको थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने इन्वेंट्री दी हुई है आपके पास 1 जुलाई 2003 की, इट मीन दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री। और ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रीट होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में किस जगह पे ट्रीट होगी? 155,000 उसकी वैल्यू है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है इनकम स्टेटमेंट में। उसके बाद उसने कहा है कि जो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हैं आपके पास 240,000 के। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके करंट एसेट्स हैं, तो आप इनको करंट एसेट्स में लिख लें। ट्रेड रिसीवेबल्स 240,000, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रेड पेबल्स गिवन है, ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, तो करंट लाइबिलिटीज में जाके लिख लेंगे, वैल्यू है 140,000 की ट्रेड पेबल्स, 140,000 ये भी आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इधर मैं सर्कल करके स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं फिर एंड पे सॉल्व करूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इशूड एंड फुली पेड अप ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी कैपिटल, ठीक है। आपने कितने शेयर्स इशू किए और उसमें से कितना पैसा रिसीव किया? 400,000। ये जो वैल्यूज हैं ये जाएंगी आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऑन 1 जुलाई 2013, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड डाउन में कितना आपके पास गिवन है? उसने 400,000 का उसने कहा है कि आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल फुली पेड है, ठीक है। वो यहां पर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि आपके डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स हैं जो आपने ये जो डेट लिखी हुई है ना 2009, ये शो कर रही है कि इस डेट को, इस ईयर को डिबेंचर्स आपने वापस लेने। कंपनी क्या करती है, जब डिबेंचर्स को सर्टिफिकेट्स इशू करती है उसके अगेंस्ट पैसे ले लेती है, ठीक है। तो जब वो उनको पेमेंट करेगी, पे बैक करेगी लोगों को, तो सर्टिफिकेट्स वापस ले लेगी, तो वो पेमेंट करनी है उसने लोन जो लिया हुआ है 2009 में और आप 2004 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक साल से ज्यादा पीरियड है, तो ये आपके पास लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आप क्या करेंगे, ये 150,000 के डिबेंचर्स हैं, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाके लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में कि आपके डिबेंचर्स आ गए, ठीक है। डिबेंचर्स की जो वैल्यू बताई है वो है 150,000, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है, ठीक हो गया। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैं यहां पर ही कर रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। आपने लोन लिया हुआ 150,000 का, उसका 8% आप कैलकुलेट करें कितना आता है, कैलकुलेट करें 8% ऑफ 150,000, ठीक है। इट बिकम्स 12, आपका एक्सपेंस बनता है $12, ये आपने पे करना ही करना है हर सूरत में, ठीक है।
ये आपने याद रखना है कि इतना एक्सपेंस है, तो जो हमारे पास जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट होती है ना, इसमें जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फाइनेंस कॉस्ट है वो है 8,000 की। ठीक हो गया? सॉरी, 8 लिखा, 12, इट इज 12,000। वो 12,000 आपको हमने ये कैलकुलेशन ऊपर कर ली है कि जो रेट गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना, लोन को आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम आता है 50,000। तो शेयर प्रीमियम का जो बैलेंस यहाँ गिवन होता है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, ये कॉलम हम यहाँ पर बना लेते हैं शेयर प्रीमियम का। शेयर प्रीमियम कितने का हमारे पास है? शेयर प्रीमियम है 50,000 का, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका 50 का हो गया। जनरल रिजर्व्स हैं वो आपके पास हैं 40 के, तो जनरल रिजर्व्स का एक कॉलम बनाया हुआ है 40, वहाँ पुट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ओपनिंग बैलेंस में। उसके बाद आपके आते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स ऑन 30 जून 2003, लास्ट ईयर के लास्ट डेट पे आपके पास रिटेन प्रॉफिट्स थे कितने? 28,000 के। तो इस साल के स्टार्ट में भी जो आपके प्रॉफिट्स हुए होंगे, तो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आपको गिवन है 28,000। ठीक हो गया? अब उसके बाद हमारे पास है बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस देखें क्रेडिट साइड पे गिवन है, तो बैंक बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मींस दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से जितने आपने पैसे डिपॉजिट कराए उससे ज्यादा आपने विड्रॉ करवा लिए, तो ये 21,000 जो है ये आपके पास करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो करंट लाइबिलिटी है उसमें जाके आप इसे ट्रीट करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आ रहा है? 21 का। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक? उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके परचेजेस गिवन है और सेल्स गिवन है। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब है ये परचेजेस हैं 380,000, ये इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस आ जाएंगे 380,000। ठीक है, उसके बाद आपकी सेल्स हैं, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स हमारे पास हैं 310,000 की, और सॉरी 690,000, 690,000। उसके बाद आपके पास उसने कहा ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना पे किया है? 20,000 का। तो जो ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड होता है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है। इसके लिए फॉर्मेट क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस प्लस आपने अगर कोई न्यू इशू किए हैं, आपने कुछ शेयर न्यू इशू किए वो आ जाएगा। अच्छा, जो शेयर अगर आपने न्यू किए हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स आ जाता है। ठीक हो गया? जो जनरल रिजर्व्स के बाद इसमें डिविडेंड पेड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसने कहा है कि आपके पास ना ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड है ना, ये आपके पास ना डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड एंड देन ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। ठीक है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड जो है वो कितना है वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि वो आपका 76,000 का है। तो आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड कितने का? 76,000 का पे किया। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड हमारे पास जो पेमेंट हुई है, पेमेंट वाला प्रपोज नहीं है, तो ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना आपने दिया है वो देखें, आपके पास है वो 20,000 का। ठीक है,
तो 20,000 आप कहाँ से डिडक्ट करेंगे? रिटेन अर्निंग में से, ठीक है, इसमें से माइनस कर लेंगे और टोटल में से भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह आपके पास उसने कहा सैलरीज एंड वेजेस हैं 76,000 की। सैलरीज एंड वेजेस जो हैं इनको आप इनकम स्टेटमेंट में एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं सैलरीज, लेकिन लिखेंगे आप इनको ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है 76। उसके बाद आपको उसने कहा है कि आपके रेंट एंड इंश्योरेंस हैं, तो रेंट एंड इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, तो इसको भी आप यहाँ पर एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डालेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितने रेंट एंड इंश्योरेंस कितने की डाल गए? 21,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है, ये जो गिवन है ना वो आपका है कि आपने पेमेंट कितने की है, $6 की है। तो आपने क्या किया है, जो पेमेंट की है वो ओनली $6 की है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो होगी ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, इसकी ट्रीटमेंट आपकी चलेगी यहाँ पर, ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है हमने निकाला था ना, ये पेमेंट बनती थी $12,000, आपने जो पेमेंट की है वो कितनी की है? 6,000, ठीक है, $6,000। तो इसके रिमेनिंग इसका मतलब है पेएबल है, तो आपकी करंट लाइबिलिटी में ये आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी में आपका क्या आ जाएगा, आपके पास ये जो पेएबल अमाउंट आ गई है, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट अक्रूड या पेएबल, ठीक है, वो कितना बनता है? इंटरेस्ट अक्रूड या पेएबल, आपका इंटरेस्ट बनता था 12,000 और उसमें से आपने जो पेमेंट की हुई है, जैसे देखें ये क्वेश्चन था, उसमें 12,000 की हमने कैलकुलेशन की थी कि ये 12,000 उनकी इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है, तो आउट ऑफ दिस उन्होंने सिर्फ 6,000 पे किया हुआ है, तो बाकी क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी, ठीक है, बाकी क्या आ जाएगा आपकी? लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी $6। अच्छा, उसके बाद उसने दिया हुआ है कि आपके पास ना एक्सपेंसेस में, तो हमने पूरे शो किया हुआ है क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसेस में हमने जब कैलकुलेशन की थी उसी टाइम ही शो कर दिया था हमने कि हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट कितनी है $12, वो शो कर दी थी। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स जो होते हैं ना ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनको हम एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख लें कि जो बैड डेट्स कितने हो गए। बैड डेट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास ना, वो आ रहे हैं $3 के, तो ये हमारे पास $3 के सिर्फ बैड डेट्स हैं। उसके बाद उसने कहा सन्ड्री एक्सपेंसेस के, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, वो मिल के $2,900 बना रहे हैं, ठीक है, तो हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेके आ जाते हैं 29, ठीक हो गया। डिस्काउंट रिसीव जो है वो कितना है? डिस्काउंट रिसीव जो है ये आपके पास है, ये अदर इनकम है। डिस्काउंट रिसीव कितना है? अदर इनकम। डिस्काउंट अलाउड होता है, एक्सपेंस होता, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है आपको? $11 का, ये इंटरनल कॉलम में लिखने यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें एडजस्टमेंट्स हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने क्या क्या चीज़ें दी हमने वो देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब देखें जैसे कि उसने पहली एडजस्टमेंट दी है कि इन्वेंट्री एट 30 जून 2011 175,000 की थी, तो इसकी एक ट्रीटमेंट तो ये होती है 175,000 की इन्वेंट्री है, आप एक तो इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 175, यहाँ से माइनस हो जाएगा इन कॉस्ट ऑफ सेल्स में से इनकम स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसका दूसरा इम्पैक्ट होगा। वो दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कि आपके पास 175,000 की जाके करंट एसेट में शो हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री।
175,000, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ऑफ द ईयर 30 जून 2004, कहता है हाफ ईयर का जो आपका बनता है ना इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे वो ड्यू है, तो वो ऑलरेडी हम उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर चुके हैं, फाइनेंस कॉस्ट और करंट लाइबिलिटीज में हमने इंटरेस्ट अक्रूड ऑलरेडी निकाल दी है, ठीक है। इसमें से अगर इन्फॉर्मेशन ना भी हमें ये गिवन होती फिर भी हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। उसके बाद है आपकी डेप्रिसिएशन, उसने कहा प्रीमिसेस को आपने 2% के हिसाब से डेप्रिशिएट करना है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखें प्रीमिसेस जो हैं उनकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग क्या होगी, आपने वर्किंग में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रीमिसेस, ठीक है, प्रीमिसेस की आपकी वैल्यू आप देख लेंगे, वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी उस पे आपने स्प्लिट लाइन डेप्रिसिएशन लगा देनी है। वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर है जो हमने प्रीमिसेस की निकाली। कॉस्ट 600,000 की है और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 140,000 की है, तो आप का यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट पे ही लगता है, ठीक है। उसका क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, जब रेट गिवन हो तो, अदरवाइज नंबर ऑफ इयर्स यूजफुल लाइफ से नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड कर देना, ठीक है। आपके पास कॉस्ट है वो एसेट की कितनी कॉस्ट है, हमारे पास करंट एसेट प्रीमिसेस की 600,000 की कॉस्ट है और उसमें से 140 आपके की रेजिडुअल वैल्यू जीरो है, रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट मींस इट वुड बी जीरो, तो डेप्रिसिएशन रेट 2% है। तो आपके पास 6,000 का 2% कितना निकला है, 600,000 का 2% निकालें तो 2% बनता है 12, 600 का 2% इट बिकम्स 12। अब ये 12 का क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट ये पहले भी हमने पढ़ी थी कि आपने जो आपके पास प्रीमिसेस हैं उसकी वैल्यू में से इसको माइनस कर लें, उसकी वैल्यू में से आपने 12 माइनस कर लेना है और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं इनमें डेप्रिसिएशन में जाके इसको लिख लेना ब्रैकेट में 12, ये हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड है, उसने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाएं इक्विपमेंट पे, तो इक्विपमेंट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो लगता है ना उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक हो गया। आपके पास जो एसेट है वो है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कॉस्ट 220 की है और 70 की उसकी प्रोविजन पहले से हो चुकी है, 220 माइनस 70 उसमें से निकाल दें और रेट अप्लाई हो रहा है 30%, उस रेट कितना अप्लाई हो रहा है 30%। अब देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इक्विपमेंट की कितनी कॉस्ट निकलती है डेप्रिसिएशन, 220 माइनस 70 150 आ जाएगा और उसका आपने 30% पे करना है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आती है 45 की, ठीक है 45। अब ये जो 45 है आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विपमेंट की वैल्यू में से 45 माइनस कर लेंगे और आपके पास यहाँ पर एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये आके एड हो जाएगी, कितनी वैल्यू है यहाँ पर इसकी जो निकाली हमने 45 डेप्रिसिएशन, ये आपकी डेप्रिसिएशन दोनों हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा अक्रूड सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंसेस होते हैं तो जो अक्रूड सैलरीज होती हैं उनका मतलब है कि वो आपने पे नहीं की, तो सैलरीज के अंदर आप उनको एड अप कर देंगे जितनी भी गिवन है, अक्रूड सैलरीज कितनी है 8,000 की, ठीक है वो 8 इसमें ऐड कर देंगे। अक्रूड एक्सपेंस जो होता है वो आपकी लायबिलिटी भी होता है, तो आप उसे
एक्रूड एक्सपेंसेस को लाइबिलिटीज में भी लिख लेंगे। लाइबिलिटीज में कितना है आपके पास ये वैल्यू 8,000 की, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है डायरेक्टर्स प्रपोज टू पे एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 30,000। अब डायरेक्टर्स ने डिविडेंड जो है वो ऑर्डिनरी डिविडेंड प्रपोज किया है। प्रपोज का मतलब है कि ये अगले साल मिलेगा, ठीक है। कहता है 10,000 टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करने वो आपने माइनस कर देने रिटेन अर्निंग्स में से, वो कितने 10,000, और आप उसे ट्रांसफर करके टोटल इक्विटी का पार्ट बना लें, ठीक हो गया। ये आपकी एडजस्टमेंट जो है वो होगी सारी पूरी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ना क्वेश्चन को करना है क्लोज। अब क्वेश्चन क्लोज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने इनकम स्टेटमेंट को क्लोज करना है। आप देखें इनकम स्टेटमेंट में आपके नेट सेल्स हैं, तो नेट सेल्स आपकी कितनी है, नेट सेल्स आपकी हैं 690 की, ये आपकी यहाँ चली जाएंगी बिकॉज देर आर नो रिटर्न्स, ठीक है, सेल्स रिटर्न्स। अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें आपके पास 155 की ओपनिंग इन्वेंट्री, 380 की आपने परचेजेस की, और -175 आपके पास रह गए, तो 360 की आपके पास आती है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप इसमें से सेल्स में से माइनस कर लेंगे, सेल्स नेट सेल्स 690 माइनस उसमें से 360, टोटल आपका बच गया जो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है वो बचता है 330 का। जो आपकी अदर इनकम्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, और सॉरी इसमें एक प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट अभी हम छोड़ के आए थे, वो अभी हमने नहीं की, वो कर लें शायद वो इंक्रीज डिक्रीज निकल आए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास जो न्यू डाटा है उसमें तो उसने कोई दी नहीं हुई, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन ऑल दो उसने दी हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट में फर्दर है ही नहीं कि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी रखनी है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जब एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो इसका मतलब है कि न्यू प्रोविजन भी नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। न्यू प्रोविजन जीरो है, ओल्ड प्रोविजन हमारे पास कितनी थी, ओल्ड प्रोविजन यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से, वो है आपके पास $10 जिस पे हमने स्टार भी लगाया था, माइनस $10। तो हमारे पास जो प्रोविजन है वो क्या हो गई, $10 से डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन प्रोविजन क्या होता है, वो हमारे पास अदर इनकम होती है, ठीक है। तो हम इसको भी इधर लिख लेंगे अदर इनकम्स में डिक्रीज इन प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स $10, तो आपके पास टोटल अदर इनकम कितनी होगी 21 की, ठीक है। आपके पास ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें अदर इनकम ऐड हो जाएंगी, अदर इनकम के बाद आपने इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने। अब देखें एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैसे क्लोज करेंगे, कि आपने सबसे पहले सैलरीज का टोटल करना है, सैलरी 7600 प्लस 800, ठीक है। ठीक है, इसमें सिंपली 76 प्लस 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितनी कितनी हो जाएंगी 84। उसके बाद रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है 21, आगे आप इंटरनल कॉलम में शिफ्ट शिफ्ट कर देंगे। बैडर्स $3 के हैं, और आपके पास यहाँ पर मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं 29 के, और आपकी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, वो बनती है 57 की, वो आप डेप्रिसिएशन भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं इनको कर देने टोटल, ठीक है। तो आपके एक्सपेंसेस कितने बनते हैं, एक्सपेंसेस देखें आपके हैं 84, ठीक है, प्लस आपके 21 प्लस
3 प्लस आपके 29 एंड प्लस आपके 57, ठीक हो गया। आपके एक्सपेंसेस बनते हैं टोटल 194 के, ठीक हो गया। तो आपके पास ऊपर जो प्रॉफिट्स हैं वो 330 के, प्लस अदर इनकम ग्रॉस प्रॉफिट 330, प्लस जो आपके पास अदर इनकम है वो 21 की है, और उसमें से आपने माइनस करना है 194, ठीक हो गया, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो आपके पास जो आंसर बचता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है 157 का बचता है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट हमने 12 लिखी थी एज इट इज, आउटर कॉलम में ले जाए तो ये भी इसमें से माइनस कर लें 12, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 145,000 की आएगी, ठीक है। इनकम टैक्स कोई नहीं गिवन क्वेश्चन में, ठीक है, इसका मतलब है सारे के सारे पैसे आपके जो प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। ये आपकी कितनी वैल्यू आ जाती है 145 की, ठीक हो गया। और टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स देखें क्वेश्चन में वो गिवन है वो नहीं गिवन, वो जीरो है, तो आपके पास $145 ये आ जाएगी प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ना, करंट ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं आफ्टर जो आपके पास टैक्स होते हैं, इनको आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यहाँ शिफ्ट करते हैं। कितनी अमाउंट है 145 की, ये आगे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को भी क्लोज कर देना है, ठीक है। इसका 30 जून 2014 को आपने बैलेंस निकाल लेना है, बैलेंस कैरी डाउन 400,000 के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो उसका मतलब है वो जीरो बैलेंस है। आपके पास जो रिटेन अर्निंग्स है वो रिटेन अर्निंग्स कितनी बचती हैं, 28,000 पुरानी अर्निंग्स थी, प्लस 145 आपके पास इस साल की जो प्रॉफिट्स आए हैं वो हैं, और माइनस इसमें से आपने 10,000 रिजर्व्स में देना है, ठीक है, 10 उसमें से रिजर्व में चला गया, और डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड, देखें प्रेफरेंस शेयर्स आपने कोई इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू ही नहीं किए, तो इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा, वो जीरो है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो कैश ये ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया वो है $20 का, वो आप माइनस कर लेंगे इसमें से, तो आपके पास जो रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं वो 143 की आ रही हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व्स जो हैं वो आपके पास 40 के हैं, ठीक है, और शेयर प्रीमियम भी है वो आपके पास 50 का, इस साल ही क्रिएट हुआ है, जो इस साल सॉरी क्रिएट नहीं हुआ, पुराना ही बैलेंस आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन इस दफा कोई भी नहीं हुई, उसका कॉलम भी नहीं बना, ठीक हो गया। अब ये जो बैलेंसेस आपने यहाँ पर निकाले हैं ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्लोजिंग बैलेंसेस, इन्हीं को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने नहीं बताया होगा ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह कितना है, ठीक है, उन्होंने इशूड कैपिटल बताया, इसका मतलब है सेम वही चीज़ है। और आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो 400 का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, रिटेन अर्निंग्स आपके पास 143 की हैं, ठीक हो गया, और आपके पास जनरल रिजर्व्स जो हैं वो हैं $40 के, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स नहीं है, और टोटल आपका कितना आता है, टोटल आपका यहाँ आप टोटल कर लेंगे इसकी, ठीक है, कितना 400,583, ये आपके पास क्या है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी वन बाय वन क्लोज कर दें। आपके देखें 600,000 का आपका एसेट था, उसमें से आपकी 140 की होगी डेप्रिसिएशन, पुरानी डेप्रिसिएशन, तो आपका एसेट कितने का रह गया, आपका एसेट रह गया 460 का, ठीक है, 600 माइनस उसमें से आप क्या करेंगे, जो ओल्ड प्रोविजन है वो माइनस कर देंगे, और उसमें से आपने माइनस कर देने जो इस दफा वाले, तो आपके पास ये बच जाता है 440
एट ठीक हो गया। मुर्तजा नवीद, मैंने आपको बताया था कि 2006 में जो क्वेश्चन नंबर 20.1 है, 6 में प्रपोज हुआ था डिविडेंड, और जब पेमेंट होती है वो अगले साल में होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिविडेंड की, इसलिए वहाँ पेमेंट हमने नहीं लिखा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। अब बस जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं वो सेपरेट रिजर्व्स होते हैं और जनरल रिजर्व सेपरेट होते हैं, इसलिए उनको सेपरेट ही आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो करना है। मुस्कान, लाइबिलिटीज कहाँ आनी है आपने जनरल रिजर्व में? अच्छा जनरल रिजर्व्स में $10 हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू मुस्कान, ये आपने बता दिया। तो हमारे पास ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो 50 के हो जाएंगे, जनरल रिजर्व जो है वो हमारे पास कितने होंगे, $50 के हो जाएंगे, ठीक हो गया, ऐड हो जाएंगे, उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे हमारे पास रिटेन अर्निंग्स में से, और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें तो जनरल रिजर्व की वैल्यू यहाँ पर भी हम 50 ही कर देते हैं, चलें ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास और क्या क्वेश्चन है वो मैंने कर दिया है। जनरल रिजर्व 50 हो गए हैं, मैंने कर दिया है मुस्कान इसको, ठीक। अब्बास रजा, आपने लिखा कि फाइनेंस कॉस्ट है ना, वो हम 600 क्यों, 6000 क्यों नहीं लिख रहे, वो हमने 12000 क्यों लिखी है? उसकी वजह ये है कि देखें जो इनकम स्टेटमेंट बनती है उसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि हम ये नहीं करते कि हमने कैश जो पे की है सिर्फ वही लिखें, जो हमारा पूरे साल का एक्सपेंस होता है ना, ठीक है, वो हम लिखते हैं। तो हमारे पास डिबेंचर्स जो थे उस पे जो इंटरेस्ट बनता था वो 12000 पूरे साल का बनता है, तो हम उसको उसके मुताबिक ही इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो जो रिमेनिंग जो हमने पे नहीं किया उसको लाइबिलिटी में शो करेंगे। हाँ जी, शेयर प्रीमियम को भी लिखेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर। अब्बास रजा, उसका भी जो शेयर प्रीमियम का जो लॉस लास्ट कॉलम है हमारे पास ना, वो शेयर प्रीमियम का है, वो मिस हो गया मेरे से, मैं यहाँ लिख लेता हूँ शेयर प्रीमियम, ये भी आएगा। जो भी रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर आएंगे इक्विटी में, वो कितने बनते हैं, 550 के ये बन जाते हैं, तो ये भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इनको आपने टोटल करके इधर शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास सैयद मोहम्मद आदि, हाँ वो मैंने करेक्शन कर ली है, शेयर प्रीमियम भी आ जाएंगे मुर्तजा, चलें ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, अब आपने इसको क्लोज कर लेना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है, एसेट्स का टोटल कर लेना है। इसी तरह आपने जो इक्विटी और कैपिटल है आपने यहाँ पर टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेने हैं, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इनका टोटल कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल कॉलम में, तो ये आपके पास क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। अभी देखें हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो 220 के थे, उसमें से 70 की आपकी डेप्रिसिएशन होगी, प्लस आपकी डेप्रिसिएशन पूरा न्यू डेप्रिसिएशन है 45 की होगी, तो आपके एसेट की वैल्यू जो है वो 105 की आ गई, ठीक है। तो आपका एसेट जो है वो कितने का, 105 प्लस आपका 448, आपके एसेट की वैल्यू आ गई 553, ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद करंट एसेट्स में से आपके ट्रेड रिसीवेबल 240 के हैं, ठीक है, न्यू प्रोविजन थी नहीं, कोई बैड डेट्स थे नहीं, हमने इसमें से डिडक्ट ही नहीं किए, ठीक है, और 175 की आपकी इन्वेंट्री है, इन दोनों को आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास आपकी 240 प्लस 175 ये आ गया 455,
आपके पास आ गया करंट एसेट्स का, ठीक हो गया। आपने इसी तरह टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेने यहाँ पर, ठीक है। इक्विटी का टोटल यहाँ पर आपने कर लेना है, आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल भी यहाँ आएगा और आपकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनका भी टोटल यहाँ आएगा, और ये आपने टोटल कर लेना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक हो गया, क्लियर है। अभी आपका जो होमवर्क है वो मैं अभी, आपने जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने अब करने, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास आएगी अब मैं आपको एमसीक्यूज भी इसके अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये अब कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन लाजमी करने सारे, जो नहीं है चीज़ आएगी वो आपने मुझसे पूछना है, बेशक नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में पूछ लें, जब पहले स्टार्ट लेक्चर होगा आप अपने अपने क्वेश्चन उसमें से पूछ लें, ठीक है। बात रजा, जो डिक्रीज इन प्रोविजन जो होती है ना फॉर डाउटफुल डेट्स, इनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट होती है वो सिर्फ न्यू प्रोविजन जो है वो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होती है। तो न्यू प्रोविजन तो हमने रखी नहीं है, इसका मतलब है कि जीरो प्रोविजन है, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। तब अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है मंडे को, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।